फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रिएक्शन एसिड और बेसिक का रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कितने दिन हो गए हम लोगों ने कोई सा एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, तो चलिए आज हम कोई सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको पहले मटेरियल बता देता हूँ हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। फ्रेंड्स, हमें सर्फ चाहिए, देखिए ये है सर्फ, और हमें चाहिए टर्मरिक यानी कि हल्दी, और हमें चाहिए पानी यानी कि वाटर, इसके अंदर वाटर है, और एक पेज। पेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिखेगा, इसलिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ हमें रिएक्शन कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने टर्मरिक लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा वाटर डालना है, ऐसे, और इसको ना आपको ज्यादा पतला नहीं बनाना है, वरना आपका ये टर्मरिक का ये अच्छा नहीं बनेगा। आपको ना ज्यादा पतला बनाना है, ना ही ज्यादा मोटा बनाना है। देखिए फ्रेंड, ऐसा बनाना है आपको। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो फ्रेंड्स आपका जो टर्मरिक का जो पेस्ट है वो कम से कम ऐसा दिखना चाहिए। देखिए, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो वो नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब ना ही ज्यादा आपको पतला बनाना है, ना ही आपको ज्यादा गाढ़ा बनाना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो पेज है, जो आपका पेज है, उसको अपने यहाँ पे रखना है, अपने मतलब जहाँ पर भी मेरे पास टेबल है तो मैं टेबल पे रख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका जो हल्दी का जो ये सॉल्यूशन है, इसको आपको इसके पेज के ऊपर डालना है, फिर मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ बहुत बढ़िया सा। पेज के ऊपर सिंपली डालना है, उसके बाद एक रिएक्शन आएगा। मैं आपको फ्रेंड्स अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, कि आपको दिख नहीं रहा है अच्छे से, मैं अभी आपको रिएक्शन होते हुए दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बन गया, कैसा हमारा ये। उसके बाद आपको उसको फैलाना भी है, जिससे वो ज्यादा स्पेस ले आपके पेज में, तो वो और अच्छा दिखेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो गया हमारा ये टर्मरिक का पेस्ट। देखिए, ये है हमारा टर्मरिक का पेस्ट, ये है हमारा टर्मरिक का पेस्ट। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ असली रिएक्शन, उसके बाद मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। अब देखिए, ये है हमारा असली रिएक्शन, देखते जाओ। देखिए फ्रेंड्स, ये अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। ये है हमारा टर्मरिक पेस्ट, और देखिए इसके ऊपर आप सर्फ डाल दीजिए, सिंपली सर्फ। सर्फ का आपको पेस्ट नहीं बनाना है, सर्फ सिंपल ही डालिए, फिर उसके बाद देखिए रिएक्शन कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, बहुत अमेजिंग है, इट्स अमेजिंग सच में। एक बार इसे घर पे बनाइए तो बहुत मजा आएगा, एक बार बनाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है रिएक्शन तो देखिए। फ्रेंड्स, आजकल मैं यूट्यूब पे वो कार्टून्स और उनके डालने लगा था, क्योंकि मुझे अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा था, और टाइम मैंने आजकल एक जगह ज्वाइन कर लिया है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वो बना नहीं पा रहा था ये वाली वीडियो, इसलिए अभी आपको मैं ऐसे पास से दिखाता हूँ। बिल्कुल, ये हमारा सर्फ है, कुछ और नहीं है, वरना आप सोचे फेक वीडियो है। देखिए क्या कितना अच्छा रहा है, मैं आपको और पास से दिखाऊंगा इसको, अच्छे से पास से दिखाऊं, तो देखिए मजेदार है ना। एक और बार दिखाऊं, कैसा बन गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये कौन सा ब्लड है, ब्लड बन गया बिल्कुल पूरा। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। रीजन है ये कि जो हमारा हल्दी का सॉल्यूशन है, अगर हम उसके अंदर यही बेसिक डालते, ये एसिडिक चीज है, सर्फ सोप शैम्पू ये एसिड चीजें है, तो ये हल्दी के सॉल्यूशन के साथ ये वो रिएक्ट करते हैं। यही अगर हम बेसिक डाले इसके अंदर, जैसे नींबू अगर हम यही इसके अंदर डालें, तो वो मतलब कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स,
ये आज का वीडियो बस इतना ही है, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया, आप इसे घर पे करिए, जो भी इसको घर पे करेगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा आपका वीडियो तो प्लीज मुझे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर जरूर दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कोई कंजूसी मत करना, ठीक है, प्लीज।